नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त रूपन गुप्ता आप लोग के लेकर आ चुका हूँ एक और नया वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो कुछ स्पेशल बातों के लिए मैं लेकर के आया हूँ कि जो टॉपिक आप लोग करते हैं और आप लोग फोन करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बोलते हैं, जो परेशानियां हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों आप लोग कहीं से भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत तरीके की परेशानी मार्केट में आती होगी। जैसे सेलिंग की परेशानी है कि ये मार्केट में सेल अच्छे से नहीं आ रहा है, और रेट की परेशानी आती है कि अच्छा रेट नहीं मिल पा रहा है, और क्वालिटी की परेशानी आती है कि चिपक नहीं रहा है, या फिर आप उसको एसएस में क्वालिटी। तो सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ, और इस वीडियो के बाद आपको देखेंगे कि आपके मार्केटिंग में आपको बेहतर ऑप्शन, आपको बेहतर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिए और पूरा समझिए कि आखिरकार ये फंडा क्या है जो मार्केटिंग में हम लोगों को लगाना चाहिए, सो दैट कि हमारा बिजनेस आगे की तरफ मूव करता रहे। अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं कि स्क्रबर चिपकता क्यों नहीं है। उससे इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि एक केमिकल कोटिंग आता है जिसको हम लोग पीवीसी कोटिंग बोलते हैं। वो एक प्रकार का मान के चलिए कि लिक्विड फॉर्म होता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक का लिक्विड फॉर्म को हम लोग उसको लगा करके जब फिर से पैक करते हैं तो पीवीसी उस पर लेमिनेशन होता है, और पीवीसी कोटिंग लगने के बाद क्या होता है कि ब्लिस्टर उसके बीच में एक रिएक्शन होता है जो मेल्ट होकर के अच्छे से चिपक जाता है। वो होना बहुत जरूरी है, तभी आपके प्रोडक्ट में फिनिशिंग आएगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। आप सभी जो पैकिंग करते हैं और आप लोग के साथ जो परेशानी आता है तो आप लोग इस चीज को अनुभव कर रहे होंगे। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्केट में सेलिंग नहीं है, मतलब कि स्लो है, सेलिंग स्लो है। तो देखिए दोस्तों, ये इस बात से हम कभी भी मुंह नहीं फेर सकते हैं कि अगर हम मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेलिंग का प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, कंपटीशन का सामना आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि हर पढ़ने वाला लड़का आईएएस नहीं बनता, वैसे ही होता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केट में है, तो वहां पे आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए क्योंकि सबको अपना रोजगार चाहिए, तो उसमें हम कैसे अपना बेहतर रिजल्ट देंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट है जो आपको पहले रिसर्च करना चाहिए। आप पहले अपने मार्केट का सर्वे करिए, एक कस्टमर डाटाबेस बनाइए। जैसे मेरी जो आप बुक देख रहे हैं ये हमारा कस्टमर डाटाबेस है, तो आपको कस्टमर डाटाबेस बनाना चाहिए। उस कस्टमर डाटाबेस से आपको कुछ ऐसे कस्टमर को छांट करके अलग करिए जो आपसे माल लेंगे, किसी भी सूरत में आपसे ही माल लेंगे, वो हो गया आपका रेगुलर कस्टमर। उसके बाद उसमें से जो बचे हुए कस्टमर बचते हैं उनके लिए हम लोग एक अलग से करेंगे कि भाई इस कस्टमर पे हमें मेहनत करने की जरूरत है, इनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। उसको हम लोग बोलेंगे फॉलो अप। जैसे मान लीजिए कि किसी कस्टमर ने हमें इंटरेस्ट तो दिखाया लेकिन वो अभी लेने में इच्छुक नहीं है क्योंकि उनके पास माल पहले से हो सकता है, या फिर कोई और भी जो सेल कर रहे हैं उनसे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो उनको हम कैसे कन्वेंस करेंगे। तो उनको कन्वेंस करने के लिए रेगुलर आपको उनके शॉप पे विजिट करते रहना चाहिए, उनसे हाल समाचार लेते रहना चाहिए, एक अच्छा जो आपका बोल बचन है उनके साथ आप कनेक्टिविटी बना करके रखिए। धीरे धीरे करके देखेंगे कि कुछ जो है कस्टमर उसमें से आपको इस साइड में आ जाएंगे जो आपके रेगुलर कस्टमर वाले पार्ट्स में होते हैं। तो इस करके आपको कस्टमर डाटाबेस में काम करना है जिसमें आपका रेगुलर कस्टमर, उसके बाद आपका फॉलो अप वाला कस्टमर जिसमें वो डेट बताएंगे कि हमें कितने दिनों के बाद आप मिलिए सो दैट कि मैं आपसे माल लूंगा। ये आपका हो गया एक प्रोफेशनली वर्क करने का तरीका, यही है जो हम लोगों ने काम करने का सीखा है अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। देखिए मार्केटिंग अगर कहा जाए तो इतना आसान भी नहीं होता है। कोई डॉक्टर बनने के लिए 5 साल की कोर्स करता है, इंजीनियर बनने के लिए 4 साल की कोर्स करता है, लेकिन मार्केटिंग सीखने के लिए जीवन भर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैं जहां तक मानता हूँ कि मार्केटिंग का कोई अंत नहीं है, हर रोज समय समय टाइम टू टाइम जो है ये सब चीजें चेंज होती रहती है, कैसे स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, तो उसमें आपको अपने आप को ढालना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर कस्टमर डाटाबेस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दो हो गया। उसके बाद आ गया वो कस्टमर जो नए हैं, मतलब जिनको हम नहीं जानते ना, अभी तक उनसे एक बार भी मिले हैं, तो हमें हर सप्ताह में ऐसे कुछ कस्टमर से मिलना है। या तो आप अपना डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए, किसी भी प्रकार से आपको उस कस्टमर को टारगेट करना है जिससे अभी तक आप नहीं मिले हैं। उन कस्टमर के पास जाने के बाद आप उनका फिर अलग से डाटाबेस बनाइए और फिर उसी तरीके से रेगुलर कस्टमर और फॉलोअप कस्टमर की लिस्ट में उसको कन्वर्ट करते जाइए। ये आपका हो गया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दूसरा चीज है कि जो कस्टमर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको जोड़ना, उनको कैसे जोड़ेंगे। तो उनके लिए या तो आप कुछ ऑफर लेकर के आइए, कुछ गिफ्ट्स लेकर के आइए, जैसे आप दीवाल घड़ी दे सकते हैं,
आप वॉच दे सकते हैं, हैंड वॉच दे सकते हैं, बहुत तरीके का सामान है जो दे करके, ग्लास कप सेट, मतलब बहुत तरीके का सेट करके उनको आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि भैया प्राइज अच्छा नहीं मिलता है कंपटीशन होने की वजह से, तो यहाँ पे मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि देखिए कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें कंपटीशन कभी भी करते हैं तो हम अपने मार्जिन रख करके ही कंपटीशन करेंगे, कभी अपना लॉस लगा करके कंपटीशन मत करिए। सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट अगर 120 रुपए का है तो वो 120 रुपए में ही कस्टमर को मिलता है। मान लीजिए आप 30 रुपए में किसी को दे दिए तो उससे ये नहीं है कि कस्टमर एंड में उसको 5 रुपए में मिलेगा, वो 10 रुपए में ही बिकेगा। तो यहाँ पे हम लोग का दायित्व बनता है कि मार्केट में एक स्टेबलाइजेशन लगा करके रखे, सो दैट कि किसी भी मार्केट में नए लोग भी आते हैं तो उन्हें भी परेशानी नहीं, आपको ये लगेगा कि वो नया लोग आकर के आपका कब्जा कर लेंगे, तो ये गलत है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। आप इसको ये करिए कि आप अपने विचार से उनके साथ कंपटीशन करिए, रेट से नो कम्प्रोमाइज, सो दैट कि आपका काम चलता रहेगा। देखिए हवा का झोंका आता है और चला जाता है, कुछ लोग आएंगे जो बहुत तेजी में आएंगे और तेजी में चले भी जाते हैं, उनको ठहराव जीवन में जरूरत नहीं है। वो सिर्फ लोगों का कहा जाता है कि जिसको बिजनेस करने नहीं आता है वो दूसरे का बिजनेस खराब करने के लिए आते हैं, तो वैसे लोगों से भय खाने का जरूरत नहीं, वैसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने निरंतरता के साथ अपने रेट के साथ बिजनेस करते रहिए, एक समय के बाद मार्केट में आप इतने स्टेबल हो जाते हैं कि लोग आपसे कम में भी कोई माल देंगे तो उनसे नहीं लेंगे, आपसे ही लेंगे। ये फैक्ट बात है, मैंने अपने पे देखा है। मैं बहुत अच्छे तरीके से अच्छे रेट से माल बेचता हूँ, फिर भी मैं बहुत अच्छा बेच लेता हूँ, बहुत लोग बहुत कम में बेचने के बाद भी नहीं बेच पाते हैं। तो कारण सिर्फ इतना है कि अपने ट्रस्ट और लॉयलिटी को बनाए रखिए और मार्केट में एक रेगुलरिटी रखिए। आप हमेशा जाइए, ये नहीं कि हाँ आज काम नहीं है तो हम गए ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक घंटे दो घंटे के लिए सही, लेकिन मार्केट में विजिट हर रोज होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन सब चीजों से निपटने के बाद हम अपने कस्टमर अपने बिजनेस को और आगे की तरफ कैसे ग्रो करेंगे। ये सारी बातें मैं आप लोग को इस स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझिए कि आखिरकार काम करने का सही तरीका क्या है। अगर आपको सही तरीका नहीं पता रहेगा तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करके भी रिजल्ट बहुत कम लाएंगे। तो वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा चीज मैं ये देखता हूँ कि जो मैं मशीन वगैरह की वीडियो बनाता हूँ वो लोग तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन जो सही में जरूरत है वो आप लोग पसंद नहीं करते। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप पूरी वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए, सो दैट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा और रियल में आपको यही आपके बिजनेस को आगे ले जाएगा। देखिए प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, बेचना मुश्किल है। अगर उसका सही से ट्रेनिंग और सही से तरीका नहीं रहेगा तो हम मार्केट में ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादा बात करके आपको पकाएंगे नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग के मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बाकी मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दे दूंगा, वहां पे भी कॉल करके हमसे आप बात कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी आप हमसे टच में आ सकते हैं। दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हुए मैं आपसे लेता हूँ विदा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।